हिंद गाइस कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं लकी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कई बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी आ, लगातार एग्जाम ड्यूटी चल रहा था ट्वेल्थ और टेंथ का एग्जामिनेशन चल रहा था उसमें ड्यूटी लगी थी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था जिस कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे अब से रेगुलर वीडियो आएगा तो कई वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पैसेंसफुली देखना है अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो गई आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बिहार पुलिस के जो छात्र तमाम छात्र लाखों छात्र न्यू नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे तो न्यू नोटिफिकेशन तो कुछ भी नहीं आया लेकिन इस बीच में झारखंड पुलिस की न्यू वैकेंसीज आ गई और जितने भी कैंडिडेट बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे थे वो झारखंड पुलिस की वैकेंसी को फिल करने लग गए और इतना ज़्यादा झारखंड पुलिस की वैकेंसी में फॉर्म फिल हुआ कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता तो वो आज मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड पुलिस में कितनी मतलब ज़्यादा फॉर्म अभी तक भरी जा चुकी हैं और कितने सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है क्योंकि झारखंड पुलिस जो है ना आखिर बहुत सारे मतलब लोगों के दिमाग में आता है ये बात कि आखिर ऐसा क्या है झारखंड पुलिस में जो मतलब एकदम सारे जो भारत के जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट के कैंडिडेट उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए तो गैज आज मैं बताऊंगी कि झारखंड पुलिस में ऐसी कौन सी बात है जो बिहार पुलिस या कहीं अदर स्टेट की पुलिस में नहीं है जो झारखंड पुलिस को वो कौन सी बातें हैं जो झारखंड पुलिस को खास बनाती है तो गईज आज मैं आपको बताऊंगी और तो वीडियो को पैथेंस फ्री देखना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी झारखंड पुलिस की वो बातें जो झारखंड पुलिस को बहुत ज़्यादा खास बनाता है सबसे पहला हाइट तो गई सबसे जो हाइट है ना अभी तक इतना कम हाइट जो है वो कहीं भी रिक्वायरमेंट देखी नहीं गई है किसी भी पुलिस में किसी भी डिफेंस की वैकेंसीज में कभी देखी नहीं गई है इतनी कम हाइट का रिक्वायरमेंट जी हाँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड पुलिस में जो हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब मेल कैंडिडेट के लिए वन सिक्सटी सेंटीमीटर्स है और फीमेल के लिए 148 फोर्टी सेंटीमीटर्स है और इससे कम आज तक किसी भी पुलिस में Uh, मतलब हाइट देख ही नहीं गई रिक्वायरमेंट के लिए इतना कम हाइट देखा देखा ही नहीं गया तो इस वजह से और इस वजह से जितने भी सारे कैंडिडेट थे जो बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो अट्रैक्ट होकर वो झारखंड पुलिस की तरफ गए हैं और ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए और दूसरी सबसे ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड पुलिस का दूसरा सबसे ख़ास बात ये है कि पहले उसमें फिजिकल होता है बाद में मेडिकल और रिटर्न वगैरह तो सबसे पहले उसमें होगा फिजिकल इस वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फिजिकल जो है ना जिनका फिजिकल जो है फिजिकल टेस्ट जो है ना मतलब जैसे कि रनिंग वगैरह तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी से वो प्रिपरेशन करके तैयारी करके अभी से रखे हैं तो वो लोग जो मतलब अभी से प्रिपेयर मतलब बोलते हैं ना कि प्रिपेयर है रनिंग के लिए तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौका है क्योंकि सबसे पहले उसमें फ़िजिकल होगा तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ़िजिकल में कैसे कैसे मतलब होता है तो मैं आपको बता दूँ कि झारखंड पुलिस के फिजिकल में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लड़कों का जो है वो एक घंटा में दस किलोमीटर एकदम नॉर्मल सा फंडा बना बनाया हुआ झारखंड पुलिस के लिए एक घंटा में दस किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और आधे घंटे में ये पांच किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए तो भाई लॉन्ग रनिंग है ठीक है लॉन्ग रनिंग है और मतलब जिनका बहुत ही जो लोग बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना लॉन्ग रनिंग कर रहे होंगे तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है क्योंकि लॉन्ग रनिंग बहुत ही कम लोग कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग को देखते हैं जो आर्मी वगैरह में जाते हैं वो स्प्रिंट वगैरह सौ मीटर चार मीटर सोलह मीटर इन सब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन दस किलोमीटर और पाँच किलोमीटर में लड़कियाँ बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान देते हैं तो भाई अगर आपका जो फिजिकल हो जाएगा ना तो समझो कि सेवेंटी परसेंट चांसेस है कि हाँ आपका जॉब हो जाएगा क्योंकि अगर आपका फ़िजिकल फिज़िकल ही बहुत कम लोग वहाँ पे क्वालीफाई कर पाते खासकर लड़कियों लड़कियों में तो पाँच किलोमीटर स्टेमिना मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है जो बात है तो भाई तो पाँच किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है तो भाई जिनका फिज़िकल एकदम प्रिपरेशन अच्छा है ना फिज़िकल के लिए जिनकी दौड़ बहुत ही बोलते हैं ना बढ़िया है तो भाई उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है तो और आज है ये 21 फरवरी और आज ही लास्ट डेट है झारखंड पुलिस में फॉर्म अप्लाई करने का और अब तक लगभग 20 लाख फॉर्म 20 लाख नहीं मतलब आ, 19 लाख प्लस फॉर्म लगभग भरे जा चुके हैं तो भाई आप लोग अभी से प्रिपेयर रहें और, ज, और ज, जो जो लोग जितने भी सारे कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अगर अप्लाई कर चुके हैं तो भाई आप आप वेट मत करो कि हाँ अब वो फॉर्म अप्लाई हो चुका है तो अब एडमिट कार्ड आएगा तभी से रनिंग स्टार्ट करेंगे रनिंग स्टार्ट कर दो और आपका जो फिजिकल है वो जुलाई तक होने की संभावना है तो भाई अच्छे खासे टाइम है आपके पास में रनिंग करने का तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करो और टेंशन ट्यूशन लेना पहले फिजिकल की तैयारी करनी है और रही बात बिहार पुलिस की और यूपी पुलिस की तो देख ही रहे हैं जो क्वेश्चन लीक होने का जो है वो नाम रुक ही नहीं रहा है उनका मतलब क्वेश्चन लीक हो जा रहा है हर एग्ज़ाम में वो चाहे जौन से इस्टेट्स हों लगभग लगभग क्वेश्चन लीक हो जा रहा है तो भाई उतना टेंशन नहीं करना है और प्रिपरेशन जारी करते रहना है अब ऐसा भी नहीं कि हाँ क्वेश्चन लीक हो गया तो सो के बैठ गए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना है रिटर्न की भी तैयारी करते रहनी है और खासकर जो लोग झारखंड पुलिस का फॉर्म भर दिया है तो भाई अभी से आप दौड़ में लग जाओ क्योंकि आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है अभी से तैयारी करोगे तो दस किलोमीटर और पाँच किलोमीटर आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी और भाई जो लोग सोच रहे हैं तो सोचना नहीं है भाई आज लास्ट डेट है झारखंड पुलिस में अप्लाई करने का तो भाई जाके अप्लाई कर लो वैसे सर्वर सुवर तो डाउन चल ही रहा है वैसे जाके देख लो क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है और आपके पास है सुन है मौका इसका फ़ायदा उठाएँ और अभी से प्रिपरेशन करें जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया भाई दौड़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि लॉन्ग रनिंग है ना तो भाई उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तो अभी से प्रिपरेशन करें रनिंग का और साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सिलेबस के बारे में कैसे आपको पढ़ना है कौन सा बुक पढ़ना है ज़्यादा कुछ नहीं बस एक दो बुक का नाम बताऊंगी उसी से आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी कवर हो जाएगा उतना टेंशन नहीं करना झारखंड पुलिस को लेके और बिहार पुलिस की रही बात तो भाई उसका भी प्रिपरेशन करते रहना है साफ एकदम नहीं बैठना है क्योंकि आज तक कल एग्ज़ाम होना ही है ये तो तय है कि एग्ज़ाम होगा वो चाहे जब भी हो तो तैयारी करते रहना है तैयारी नहीं छोड़ना है और तैयारी लगातार करते रहना है और जब भी एग्जाम का डेट आए आप आ, मतलब इतना प्रिपरेशन करो कि जब भी एग्जाम का डेट आए तो आपको ये ना कहना पड़े अरे यार मैंने तो प्रिपरेशन किया था सब भूल भाल के छोड़ छाड़ के बैठ गए छोड़ना नहीं है रेगुलर कंटिन्यूटी बना के पढ़ना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है सब चीज़ को रिवीजन करते चलो प्रैक्टिस सेट बनाते चलो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो ना वो लगाते चलो अब ये मत पूछना कि किस पब्लिकेशन का कोई सा भी पब्लिकेशन हो ना प्रैक्टिस सेट लगाते चलो प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए ठीक है तो और तो भाई अच्छे से प्रिपरेशन करो और इतना ही कहूँगी बस अच्छे से मन से पूरा एकदम मन को डेडिकेट करके प्रवेशन करो और एक सीट कन्फर्म करो आपका जो ये वर्दी पानी का सपना है ना उसको पूरा करो और जो लोग झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे हैं एक बार और कह रही हूँ तो भाई रनिंग जारी रखो लड़का हो या लड़की आराम से रनिंग जारी रहो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रनिंग कहाँ होता है झारखंड पुलिस का तो झारखंड में ही होता है भाई बिहार में नहीं होगा ना अदर स्टेट में झारखंड में ही आपका जो रनिंग है उसका टेस्ट झारखंड में ही होगा बहुत सारे लोग पूछते हैं वेट मेजरमेंट होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं वेट मेजरमेंट होता है चेस्ट होता है और हाइट होता है बस हाइट मैंने बता ही दिया एक सेंटीमीटर बॉयज़ का और फीमेल कैंडिडेट का एक सेंटीमीटर बस इतना और बॉयज़ का चेस्ट मेजरमेंट होता है इसके अलावा कुछ भी नहीं उसके अलावा रनिंग होता है बस ये सिंपल सा है तो भाई अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जाके प्लीज़ फॉर्म फिल कर दें क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है और गाइस आज से कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू वे में मेरे चैनल पे वीडियो आता रहेगा आप लोग सपोर्ट करते रहे हैं पहले की तरह और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें जय हिंद जय भारत